ओके तो आरबीआई के फंक्शन में हमने बात किया है कि आरबीआई का जो पहला फंक्शन है वो बैंकर्स बैंक है, दूसरा जो है वो एडवाइजरी का है, किसको एडवाइस देगी, तो एडवाइजरी जो देगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी। हमने डीमोनेटाइजेशन किया तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिना आरबीआई के एडवाइस के डीमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा कदम ले सकता था? तो आंसर इज नो। तो यहां पे एडवाइजरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड फंक्शन आप जाने कि आरबीआई के पास पैसे छापने का मशीन है, जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हम बोलते हैं वो पूरी बात आरबीआई के पास है। तो आरबीआई पैसे तो छापती ही है और साथ साथ उन पैसों पे आपकी सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई रहता है। तो इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। तो ये जो एक्सेप्शन की बात है कि कौन सा वो नोट है जो आरबीआई नहीं प्रिंट करता है, दैट इज 1 रुपीज नोट। क्यों नहीं करता है, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप छोड़ दीजिए कि क्यों नहीं करता है। अभी आप जाने कि इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, जितने भी नोट्स हैं चाहे वो 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 2,000 रुपए का हो, वो सारी की सारी नोट्स आरबीआई इशू करती है और आरबीआई गवर्नर उस पर डिजिटली साइन करते हैं। 1 रुपीज का जो नोट है वो आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता है और ना ही गवर्नर का साइन होता है। इस नोट्स पे जिस व्यक्ति का साइन होता है उसका नाम है टीवी सोमनाथन। कौन है ये महापुरुष? तो आप जान लें कि टीवी सोमनाथन इज प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस मिनिस्टर का साइन नहीं होता है। फिर से अंकित कर देता हूं, पहला ही ऑप्शन आपको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में दिखेगा। 1 रुपीज नोट ड्यूली साइंड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग? द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्टर। आंसर वो नहीं होगा, आंसर विल ओनली विथ फाइनेंस सेक्रेटरी, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। जब वो सेक्रेटरी बनता है, फाइनेंस का सेक्रेटरी बनता है, तो ही उस पर साइन करता है। तो आप जानने कि 1 रुपए का नोट फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन के बाद ही निर्गत होगा। एंड प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। नहीं याद है टीवी सोमनाथन, एटलीस्ट टीवी तो याद कर ले कि टीवी हमने कभी सर ने 1 रुपए के नोट पढ़ाया उसमें टीवी की बातें की थी। तो एटलीस्ट आप चॉइस को तो अंकित कर सकते हैं कि यही वो सही चॉइस है। फिर से बता दूं कि अगर ये नाम चेंज हो जाता है तो इधर तो मैं या फिर आपको खुद ही अपडेट करना पड़ेगा कि ये नाम चेंज हो गए, क्योंकि ये नाम परमानेंट नहीं है। गवर्नर ऑफ आरबीआई के नाम परमानेंट नहीं, जब भी चेंज होंगे तो करंट अफेयर्स के रूप में आपको आपके नोट्स में देखने को मिलेगा। तो दिस वुड बी द थर्ड फंक्शन कि इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, जो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एडीबी हो, चाहे वो आईएमएफ हो। तो ये जो इंटरनेशनल बड़े आपके क्या है, तो फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशनों में इंडिया की ओर से जो बैंक इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वो कौन है? तो आरबीआई है, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटिंग इंडिया, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। क्या है आईएमएफ, क्या है वर्ल्ड बैंक, कौन है इसके चीफ, कहाँ पर है इसकी हेडक्वार्टर, कब एस्टेब्लिशमेंट किया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में। तो ये चौथे फंक्शन थे कि रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आप कहीं जाते हैं देश के बाहर, या फिर आपके कोई नीबर जाते हैं, आपके कोई पड़ोसी जाते हैं और वहां से फॉरेन करेंसी कमा के आपके इंडिया में लाते हैं, तो क्या वो फॉरेन करेंसी आपके इंडिया में चलेगी? नहीं चलेगी। उसके लिए आप क्या करते हैं, तो किसी एक्सचेंज वाले के पास जाते हैं, किसी बैंक में आप जाते हैं उसके हेड ऑफिस में और चेंज करते हैं इंडियन करेंसी में। बैंक आपको चेंज करके दे देता है। क्यों चेंज करके देता है? क्योंकि बैंक फॉरेन करेंसी आपसे ले लेता है और उस दिन का जो फॉरेक्स का रेट है उसके हिसाब से आपको INR इंडियन नेशनल रुपी आपको दे देता है। आखिर वो पैसा अंततः जाता कहाँ है? तो अंततः वो पैसा आपके आरबीआई के पास ही जाता है। इस कारण से हम उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन, है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज आपकी होती है, फॉरेन करेंसी आपकी होती है, उसकी कस्टडी करता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी ही वो करेंसी है जिसके ऊपर हम प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करते हैं। जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास होगी उतना ज्यादा हम पैसे को प्रिंट कर सकते हैं। जिस समय हम इशूइंग ऑफ करेंसी में आएंगे, MRS सिस्टम का नाम बताएंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उस समय फॉरेन करेंसी की बात आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट है
मॉनेटरी पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपकी आरबीआई की, मॉनेटरी पॉलिसी। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी को हम दूसरे लहजों में क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी बोलते हैं। मार्केट में ना पैसे ज्यादा हो ना मार्केट में पैसे कम हो, ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो इन्फ्लेशन रिसेशन की बात हम करते हैं, ये कौन देखता है? तो आरबीआई देखती है कि हमें अपने रेट्स को कब बढ़ाना है, हमें मॉनिटर कैसे करना है। तो मॉनिटरी पॉलिसी का नाम ही है मॉनिटर। किस चीज का मॉनिटरिंग? तो मनी का मॉनिटरिंग, पैसे का मॉनिटरिंग। पैसे के मॉनिटरिंग का मतलब है कि मार्केट में कितना फ्लो में लिक्विडिटी जाना चाहिए और कितने फ्लो से लिक्विडिटी हमारे पास वापस आनी चाहिए। अगर ये सही रहेगा हमारा कौन सा डिमांड और सप्लाई, तो मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अदरवाइज मार्केट में चाहे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, चाहे तो रिसेशन आ जाएगा। तो छोड़ दें कि क्या होता है इन्फ्लेशन रिसेशन, अभी आप जाने कि मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कौन देखता है। आंसर इज नॉट एसबीआई, आंसर इज आरबीआई। नेक्स्ट, ग्रांटिंग लाइसेंस, लाइसेंस देती है। बिना आरबीआई के लाइसेंस से कोई भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी बैंक अपने दरवाजे को ओपन नहीं कर सकता है। इस कारण से आरबीआई वो बॉडी है जो आपके बैंकों को लाइसेंस देती है। ना सिर्फ बैंकों को लाइसेंस देती है बल्कि एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को भी लाइसेंस देती है। तो ग्रांटिंग लाइसेंस टू ऑल बैंक्स एंड एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म मैंने बोलने के कड़ी में तो बोल दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कॉरपोरेशन नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि तो बैंक का कंपेरिजन एनबीएफसी के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको दिखेगी। तो ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक एंड एनबीएफसी, बिना लाइसेंस के कोई भी बैंक ओपन नहीं हो सकता है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से इंडिविजुअली, जिसको समझ में आ जाएगा माइक ऑन कीजिएगा और उसका आंसर दीजिएगा। सही देने की कोशिश कीजिएगा, पहले के चक्कर में आप गलत मत बोल दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं, क्वेश्चन देता हूं और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। पहला फंक्शन हमने बोला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, दूसरा फंक्शन हमने बोला लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, तीसरा हमने बोला बैंकर्स बैंक, चौथा हमने बोला कि स्विंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, और पांचवा ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन मेरा था सेकेंड सर, फोर्थ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सेकेंड ऑप्शन सर, फोर्थ मुझे देखो, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन सेकंड थर्ड मत बताओ, मुझे वो पूरा सेंटेंस बताओ कि कौन सा नहीं हो सकता है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक अच्छा, लंदन। लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट किसने बोला, किसी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बोला, ठीक है। और फोर्थ ऑल सर, ऑफ दीज आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये भी कंसीडर कर लेता हूं। तो आप जाने कि लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर मतलब देने वाला, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट इज द कोर फंक्शन ऑफ आरबीआई। अगर किसी बैंक को पैसे चाहिए होते हैं तो आरबीआई से वो लेती है, जिसको हम बोलते हैं लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। तो लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। मेरा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो आप जाने कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया जाता है, आपको ऐसा लगेगा कि बैंकिंग की बात है, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आरबीआई करेगी, बट आंसर इज नो। बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है इज द कोर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज तक बैंकों के नेशनलाइजेशन सिर्फ 2 ही बार हुए हैं, वो पीरियड में बाद में बताऊंगा कि 19th of July 1969 या फिर 18th of April 1980 का था। तो लाइसेंस तो आरबीआई देगी, बट जो नेशनलाइजेशन है वो आपके आरबीआई के फंक्शन का पार्ट नहीं है। समझ में आया अभी? यस सर, यस तो लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स बैंक, एडवाइजरी, उसके बाद कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे के सारे फंक्शन है। इसमें मैंने एक लिखा है
इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आरबीआई ग्रेड बी एसबीआई पीओ में पूछा हुआ है। देखिए ये दो एक्ट है, एक एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट, जिसको आप भली भांति समझ गए हैं कि आरबीआई एक्ट कब आया, तो आप बोल सकते हैं कि आरबीआई एक्ट भाई 1934 में आया। दूसरा एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो एक्ट उस समय आया था जिस समय हमने आरबीआई को नेशनलाइज किया था। तो आरबीआई को नेशनलाइज हमने न 1934 में किया है, न 1935 में किया है, न 1942 में किया है। आरबीआई वॉज नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1949 का ही है। आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद करना है, बाकी आपको इस एक्ट से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चूंकि हम आरबीआई की बात कर रहे हैं तो आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे कि हम इशूइंग ऑफ जो करेंसी है वो किसका पार्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इशूइंग ऑफ करेंसी इज अ मेजर पार्ट ऑफ आरबीआई बट नॉट अंडर आरबीआई एक्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बार बार आपको लगेगा कि आरबीआई एक्ट तो होगा ही, आरबीआई एक्ट तो होगा ही, बट आप जाने कि आरबीआई एक्ट के आधार पे इशूइंग ऑफ करेंसी की प्रावधान नहीं है। बड़ा फैक्ट है, बड़े एग्जामिनेशन ऑफिसर लेवल में ही पूछा जाएगा, क्लर्क फ्लर्क में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने बीआर लिखा है, तो बीआर का मतलब है बैंकिंग रेगुलेशन। तो जब भी आप आज के बाद बीआरए बोलेंगे, बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलेंगे, तो उसके ईयर के साथ आप बोलेंगे। जैसे आरटीआई हम बोलते हैं ना, तो आरटीआई उसके ईयर के साथ 2005 के साथ हम बोलते हैं। आरबीआई हम बोलते हैं तो आरबीआई 1935 हम बोलते हैं। वैसे ही जब आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलेंगे, बीआरए एक्ट बोलेंगे, तो 1949 के साथ ही आपकी शुरुआत होनी चाहिए। तो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन नंबर, इस सेक्शन आज के क्लास की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन नंबर 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि आरबीआई पैसे को इशू कर सकती है। और मैंने पहले ही लिखा है कि आज की क्लास में दो सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊंगा तो उसमें से पहली बात मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, कौन सा सेक्शन, तो 22 कहां का सेक्शन, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन। कब आया ये सेक्शन, 1949 आया है। तो यही वो फंक्शन है जिसको आप याद कर लें तो एटलीस्ट आपके एग्जाम का पर्पज तो सॉल्व हो जाएगा। There are at least more than 500 function, but उस 500 function में हमने सिर्फ 10 function आपके board पे लिखा है कि Bankers Bank है, Advisory to Government of India है, Foreign Exchange Custodian है ना, या फिर आपके क्या है, तो Lender at Last Resort है, Issuing of all types of currency except 1 rupees note है, 1 rupees note duly signed by Finance Secretary and Present Finance Secretary is T.V. Somnathan, Monetary Policy या Credit Control Policy जिसमें पैसे को कहाँ कहाँ से निकालना है, कहाँ डालना है, ये मॉनिटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का पार्ट है। तो ये आपके आरबीआई की फंक्शन है जिसमें सेक्शन 22 आपको याद रखने की जरूरत है। अभी बताइए किसको क्या नहीं समझ में आया सर। तो सेक्शन 35 किसका है, 35A? 35A सेक्शन, क्या नाम है मैडम आपका, नाम बताओ। पूनम। सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिस समय मैं बैंकिंग एंबोर्समेंट आपको पढ़ाऊंगा, आपने हालांकि पूछ लिया है बड़ा क्वेश्चन, तो मैं आप बता दूं कि बैंकिंग एंबोर्समेंट जो है वो सेक्शन नंबर 35A ऑफ बीआरए एक्ट है। समझ में आया? ओके। अरे किसका माइक ऑन है भाई, ठीक है ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 22 याद करो, 35 में एक जगह बता दूंगा, सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। डन। फंक्शन में कोई दिक्कत, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं सर। ओके। यहां पे सिर्फ एक बात आप जान लें कि जो मैंने लास्ट में लिखा है मॉनिटरी पॉलिसी, ये जो मॉनिटरी पॉलिसी है ये बैंकों को 15th day पे क्या करना है, तो ऑन ईच 15th day जिसे हम बोलते हैं बाई मंथली। तो जब भी बाई मंथली का कहीं आपको दिखा हुआ मिले उसका मतलब समझ जाएं कि बाई मंथली का मतलब होता है महीने में दो बार,
ऐसा नहीं कि दो दो महीने में एक बार, ऐसा नहीं होता है। बाय मंथली, बाय मंथली महीने में दो बार मॉनिटरी पॉलिसी हैज टू बी अपडेट ऑन बाय मंथली बेसिस। इसका मतलब यह है कि जो भी आरबीआई की पॉलिसी रेट्स है, चाहे वो रेट्स आने वाले समय में मैं आपको बैंक रेट, मैं आपको रेपो रेट, सीआरआर या फिर आरआर, जो भी बताने वाला हूं, उसमें वो रेट्स है वो बाय मंथली बेसिस पे अपडेट होते हैं और उनको अपडेट करने की जरूरत होती है। दिस इज व्हाट द बाय मंथली इज। तो मॉनिटरी पॉलिसी कब अपडेट किया जाता है, क्वेश्चन में रहेगा। एनुअली, हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली, बाय मंथली? आंसर इज बाय मंथली ओनली। तो ये एक फंक्शन था जो मैंने आपको बता दिया है कि मॉनिटरी पॉलिसी ये है, ये फंक्शन है। अभी आप डायरेक्ट लेके चलें कहां पे, तो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स पे। आरबीआई की जो पॉलिसी रेट है उसमें दो टाइप की रेट्स होती है, एक को हम बोलते हैं रिजर्व रेट और दूसरे को हम बोलते हैं पॉलिसी रेट। रिजर्व रेट का मतलब होता है कि वैसा रेट जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके या हमारे ऊपर नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं रिजर्व रेट। और दूसरा जो पॉलिसी रेट्स है वो जैसे ही घटाएंगे बढ़ाएंगे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट एक आम आदमी पे पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी रेट्स। एक मिनट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉलिसी रेट्स, पहला कौन सा डायरेक्ट और दूसरा कौन सा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को ही हम दूसरे लहजों में क्या बोला, रिजर्व डायरेक्ट रेट बोले या रिजर्व रेट बोले, बोथ आर सेम। तो यहां पे पांच जो है वो पॉलिसी रेट्स होती है, पांच इंपॉर्टेंट रेट्स जो है जिसको पॉलिसी रेट्स हम कहते हैं। इसमें से जो डायरेक्ट रेट है या रिजर्व रेट है उसमें से पहले का नाम है सी आर आर और दूसरे का नाम है एस एल आर। जो इनडायरेक्ट रेट है उसमें पहला है कौन सा, बैंक रेट, दूसरा कौन सा है रेपो रेट और तीसरा कौन सा है तो रिजर्व रेपो रेट। तो ये पांच रेट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पांच रेट को पढ़ने से पहले आप ये समझें, आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट रिजर्व रेट। आपके पास एक सीआरआर देगा, एक बैंक रेट देगा, रेपो रेट देगा और रिवर्स रेपो रेट देगा। तो पहले इसको याद करें कि इस सेगमेंट के अंदर कितने रेट हैं, फिर इसको याद करें, किसी एक को याद करें, दोनों याद कीजिएगा, दोनों इधर उधर चले जाएंगे। सिर्फ डायरेक्ट को याद कर लीजिए कि डायरेक्ट में भाई सीआरआर और एसएलआर आता है और बाकी जो बच गया वो इनडायरेक्ट में आएगा, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आपको पढ़ाना है नहीं, आपको कहीं जाके भाषण देना है नहीं, इस कारण से स्मार्ट काम कीजिए, एक को याद कीजिए, एक सेगमेंट को याद कीजिए, उसके जितने भी आपके कॉर्नर हैं उसको याद कीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या है ये सीआरआर, तो पहले ये पांचों रेट आराम से समझ लें कि होता क्या है। देखिए, अगर हमें अगर पैसे की जरूरत है, मुझे अगर क्या चाहिए तो बाइक लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, तो बैंक मुझे मेरा फोलियो देखेगी और देना होगा देगी, नहीं देना होगा नहीं देगी। तो वही बात बैंकों के साथ है, अगर बैंक को पैसे चाहिए तो कहाँ जाएगा, तो जाएगा आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई ही उसका फादर है। जिसमें हमने लिखा था फंक्शन में, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर का मतलब देने वाला, कौन है लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, तो आरबीआई है। तो जब बैंक जाती है आरबीआई के पास, बोलती है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो आरबीआई ने चूंकि उसको लाइसेंस दिया है, इस कारण से आरबीआई का ये जवाबदेही है कि उसको संभाल के चलना, कि पैसे कम है तो उसको दे दो। अभी घर में बच्चे हैं, वो पैसे मांगेगा तो देंगे ना भाई, 2-4 रुपए तो देंगे, मांगेगा 10 रुपए तो देंगे, 4 रुपए तो देंगे तो जरूर। तो वही है आपका बैंक रेट, जिस रेट पे पहले आसान से भाषा में समझ जाए कि ये पांच रेट होते क्या हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से टिक मार्क कर सकते हैं। सबसे आसान से भाषा में यह है कि जिस रेट पे आरबीआई किसी दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। फिर से बोलता हूं, जिस रेट पे
आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उसे हम बैंक रेट बोलते हैं, और यही डेफिनेशन आपके रेपो रेट में भी एप्लीकेबल हो जाता है। जिस रेट पे आरबीआई किसी भी दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उसे हम बैंक रेट तो बोलते ही हैं, साथ साथ हम रेपो रेट भी बोलते हैं। आप बोलेंगे कि सर अगर दोनों सेम है तो फिर नाम अलग अलग क्यों है? तो नाम एक कारण से अलग अलग है, वो ये है कि अगर मैं आरबीआई हूं और मैंने आईसीआईसीआई बैंक को लोन दे दिया 5 करोड़ का, और आईसीआईसीआई बैंक ने अगर 60 दिनों के अंदर मुझे वापस कर दिया तो मैं उससे रेपो रेट का चार्ज लूंगा। अगर उस आईसीआईसीआई बैंक ने 85वें दिन वापस किया, 85th डे में वापस किया, तो भी मैं उससे रेपो रेट का चार्ज लूंगा। अगर उसने 90वें दिन वापस किया तो भी मैं उससे रेपो रेट का चार्ज लूंगा। लेकिन उसमें उसने 92 दिन में दिया, 91 दिन में दिया, 90 दिनों के बाद दिया, तो मैं जो उससे इंटरेस्ट लूंगा एज एन आरबीआई, तो मैं आपके बैंक रेट पे हूं लूंगा। अभी डिफरेंस समझिए, जिस रेट पे आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं, और जिस रेट पे आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को छोटे समय के लिए लोन देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अब ये लंबा और छोटे में जो टाइम का पीरियड आपसे पूछा जाएगा तो आपको 90 दिन टिक मार्क करना है। अभी एक्चुअल डेफिनेशन इसका बता देता हूं। व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस मोर देन 90 डेज कॉल्ड बैंक रेट। व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस बिलो 90 डेज कॉल्ड रेपो रेट। इस दोनों के डेफिनेशन में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, देखो मेरे से नहीं सर, हिचकिचाना मत, आप लोगों में से जिसकी भी पहली क्लास है दूसरी क्लास है मेरे से हिचकिचाइए मत। मेरे से 10 बार क्वेश्चन पूछिए, जो नहीं समझ में आता वो क्वेश्चन पूछिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। लेकिन हिचकिचाइएगा तो लॉस आपका है, जाने खोने वाले आप हैं, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो क्लास को अनवरत लेके चलता रहूंगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट। बिलो 90 डेज या फिर अप टू 90 डेज। बिलो 90 डेज का मतलब है अप टू 90 डेज, 90वें दिन अगर वापस कर रहा है रेपो रेट लूंगा, 91st डे में वापस किया क्या लूंगा? बैंक रेट। समझ में आया? जी, थैंक यू। यस यस। बात आती है कि आज के डेट में ये बैंक रेट कितना है, तो आंसर इज 6.75%। जो आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन अगर 100 रुपया देगी तो 1 साल के बाद उससे 6 रुपये 75 पैसे एज एन इंटरेस्ट वापस ले लेगी। ये है बैंक रेट। और अगर रेपो रेट कम समय के लिए दिया है तो कितना परसेंट है आज के डेट में? दैट इज 6.5%। तो परसेंटेज पे चलता है, जब भी घटेगा बढ़ेगा तो आपको अपडेट करना है। जब कोरोना का समय था तो ये 4.25 था। सोच लें, आरबीआई बैंकों को 4.25% पर लोन दे रही थी, है ना, और ये कितना था? तो 3.85%, 3.85% था। तो इतने कम रेट में आरबीआई बैंकों को लोन दे रही थी। क्यों लोन दे रही थी थोड़ी देर के बाद बताता हूं। नेक्स्ट है, इसका फुल फॉर्म हो गया क्या? तो बैंक रेट। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? रेपो रेट। यहां पे ट्रिपल आर आया है। ट्रिपल आर का मतलब है रिवर्स रेपो रेट। देखिए छोटे एग्जाम में ना कभी कभी ट्रिपल आर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और पहला ही रेट लिखा रहेगा रिजर्व रेपो रेट। धुआंधार तरीके से आप पढ़ के जाएंगे और पहले ही पे आप टिक मार करके आएंगे, क्योंकि तो रिजर्व नहीं होता है, रिवर्स होता है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना एक कला है, ये कला कोई क्लास आपको नहीं बता सकती है, कोई फैकल्टी आपको नहीं बता सकता है। जब आप मल्टीपल सेट के थ्रू गो थ्रू होंगे ना, वहां पे सिली सिली मिस्टेक आप करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कितनी बारीकी से हमें पेपर सेट को पढ़ना होता है। तो बहुत आसान लगता है रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो ले, पहला ही आप सुनेगा रिजर्व, तो रिवर्स और रिजर्व दोनों सेम लगता है, तो वहीं पर टिक मार्क कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है, होगा भी, तो आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा। रिवर्स रेपो रेट, इसके नाम में ही इसका काम लिखा हुआ है। क्या है रिवर्स रेपो रेट? तो क्या है? तो रिवर्स है। किसका रिवर्स है? रेपो रेट का है।
रेपो रेट में क्या होता था, रेपो रेट में आरबीआई लोन देती थी किसको, दूसरे कमर्शियल बैंक को। रिवर्स में क्या होगा, अगर मेरे फादर मेरे को पैसा दे रहे हैं कभी तो मेरे से पैसा मांग सकते हैं ना, तो वही कंडीशन आरबीआई के साथ भी है। रिवर्स में वेन एवर आरबीआई रिक्वायर्स मनी तो बैंक आरबीआई को पैसा देगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म दिन का दायरा नहीं है कि लंबे समय या छोटे समय के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे पापा ने मांगा तो हमें देना है, तो बैंकों के लिए पापा कौन, तो आरबीआई, मांगा तो दे दीजिए भाई। तो अभी आप जाने कि रिवर्स रेपो रेट का डेफिनेशन क्या है, तो व्हेन आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, एज ऑन डेट दिस रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। तो देखिए दे रहा है वो 6 में और ले रहा है वो 3 में, है ना, तो क्या है, तो कम में वो लेता है, तो लेने देने की बात छोड़ दीजिए, ये बड़ी बातें हैं, देखा जाएगा कौन कौन डिसाइड करता है। अभी इस 3 रेट में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस कॉल्ड बैंक रेट 6.75, व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस बिलो 90 डेज दैट इज रेपो रेट दैट इज 6.5, व्हेन आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट दैट इज एज ऑन डेट 3.35%। अभी आ जाए यहाँ पे सीआरआर, सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व, यहाँ पे रिवर्स मत कर दीजिएगा, रिजर्व है, कैश रिजर्व रेशियो। तो पहला तो इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, इस दोनों का ही फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि सीआरआर स्टैंड फॉर और एसएलआर स्टैंड फॉर। यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ कि आपके अगर 40 मार्क्स से क्वेश्चन है तो उस 40 मार्क्स में से मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 एब्रिविएशन होते हैं, मतलब आपको बोलेगा कि इन सीआरआर सी स्टैंड फॉर व्हाट, इन आईएफएससी एस स्टैंड फॉर व्हाट, इन एनपीए ए स्टैंड फॉर व्हाट, इन केवाईसी सी स्टैंड फॉर व्हाट। तो वो जो एब्रिविएशन है, एक छोटा आंकड़ा दिया जाएगा, एक छोटा वर्डिंग आपको दिया जाएगा, उसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अल्फाबेट के बारे में आपसे पूछेगा कि इस अल्फाबेट से कौन सा वर्ड होगा, तो कम से कम 4 और मैक्सिमम 5 होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में ये एब्रिविएशन का दायरा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमने बोल दिया सीआरआर तो कैश ही होगा, कैपिटल नहीं होगा, करेंसी नहीं होगा, चेस्ट नहीं होगा, कोई भी अदर सी से नहीं आ सकता है, क्योंकि जब इसके चॉइसेस आते हैं ना आपसे पूछा जाएगा इन आईएफएससी एस स्टैंड फॉर व्हाट, ऑप्शन रहेगा इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फिनेंशियल सिक्योरिटी कोड, इंडियन फिनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फिनेंशियल, एक और कोड दे देगा, उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आपको पता है इंडियन फिनेंशियल है लेकिन सिस्टम है कि सिक्योरिटी है कि सॉल्यूशन है कि सर्विस है पता ही नहीं है, कहाँ टिक मार कीजिएगा। अरे मिहिर सो गया क्या, मिहिर खाने तुषार, जी सर, हाँ क्या बताओ भाई, जी सर, अरे बताओ आईएफएससी का फुल फॉर्म बताओ ना, तनय सिक्योरिटी कोड सिस्टम कोड इट्स नॉट सिक्योरिटी इट्स सिस्टम, इस कारण मैं बोलता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे एब्रिविएशन। चलिए अभी तो पहली दूसरी क्लास है लेकिन एब्रिविएशन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। जब भी आरबीआई किसी दूसरे बैंकों को लाइसेंस देती है तो उसके एवज में बाई मंथली, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले जब हमने मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई के फंक्शन में देखा था तो बताया भी था कि ये जो मॉनिटरी पॉलिसी है और यही वो पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी का जो भाग है वो यही है, कितने दिनों में अपडेट होते हैं, तो आपने बोला कि सर बाई मंथली होते हैं, मैंने भी बोला कि ठीक है बाई मंथली, बाई मंथली का मतलब क्या है, हर एक 15वें दिन होगा, महीने के 15वें भी दिन, फिर 30वें दिन होगा, तो वहां पे हर एक बैंक को अपने टोटल एसेट्स का, मतलब टोटल जो जमा राशि है उसका एक सर्टेन भाग आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है, किसी भी अदर सिक्योरिटी के फॉर्म में नहीं रह सकता है,
चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, चाहे वो कोई और लिक्विडिटी हो, किसी भी अदर सिक्योरिटी के रूप में एक बैंक अपने फादर के पास पैसा नहीं रखेगी। ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जैसे आप फोकस में आपने एडमिशन लिया, तो आपने एडमिशन फी दिया ना, जो भी होगा 10-12-15 हज़ार आपने दिया होगा, तभी तो आपको क्लासेस अलाउ किया गया है। तो वैसे ही हर एक कमर्शियल बैंक को 15वें दिन बाय मंथली बेसिस पे CRR और SLR को अपडेट करना है अपने पास या RBI के पास। CRR हमेशा और हमेशा RBI के पास ही रखना पड़ता है, कैश के फॉर्म में ही रखना पड़ता है। और कितना रखना पड़ता है? दैट इज 4.5%। अगर आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 100 रुपए हैं टोटल एसेट्स, तो 100 रुपए का 4.5 रुपया कैश के फॉर्म में हर एक 15वें दिन को अपडेट करना है। मतलब ये नहीं है कि हर एक 15वें दिन 4.5 रुपया 4.5 रुपया भेजना है। अगर वहां पे 4.5 रुपया ऑलरेडी रखा हुआ है, दूसरी को मेंटेन करना है, क्योंकि एक सिक्योरिटी अमाउंट है ना। तो यहाँ पे आप जाने कि कैश के फॉर्म में होना चाहिए। CRR में नाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? तो कैश है, रिजर्व है और रेशियो है। तो कैश रिजर्व रेशियो टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स व्हेन ए बैंक कीप्स विद RBI। यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड CRR। अभी मेरे को एक चीज बताएं कि हर एक बैंक का कम से कम तो कितना 1,000 करोड़ रुपया होगा, उस 1,000 करोड़ का 4.5% कितना हो गया वो आप समझ जाएं। तो क्या इस रखे हुए CRR के अगेंस्ट RBI किसी दूसरे कमर्शियल बैंकों को कोई इंटरेस्ट देती है? जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI बैंक, HDFC बैंक हो गया, बड़े बैंक, यहाँ पे नहीं लाखों सर, करोड़ रुपए। क्या हो गया भाई, कौन है ये? लाखों करोड़ रुपया RBI के पास होगा, क्या उस रखे हुए पैसे पे RBI पैसा कोई इंटरेस्ट देती है? आंसर इज नो। अगेंस्ट CRR डिपॉजिट RBI डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू एनी बैंक। ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट व्हेन ए बैंक कीप्स विथ RBI इन फॉर्म ऑफ कैश ओनली इज कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड एज ऑन डेट द परसेंटेज इज 4.5%। जब भी आपको ये रेट्स देखना है तो गूगल पे मत डालिएगा, है ना। ये रेट्स बहुत बार चेंज होते हैं ना, तो देखने के लिए गूगल पे का सहारा मत लीजिएगा। गूगल पे कुछ और कोई भी पोस्ट करेगा वो दिखेगा आपको। तो जब भी ये रेट्स आपको देखने हो, तो आपको टाइप करना है RBI, RBI के ऑफिशियल पेज पे .org.in। ये वेबसाइट आप खोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखता है पॉलिसी रेट्स। वहां पे डायरेक्ट के लिए अलग दिखेगा और इनडायरेक्ट के लिए आपको अलग दिखता है। तो डायरेक्ट में दो दिखेंगे, CRR और SLR। जो वेबसाइट है वो मैंने आपको लिखा है, बट ये एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है कि RBI की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है। तो ये आपके लिए मैंने लिख दिया है कि RBI.org.in पे ये एक्चुअल आपको डेट दिखेगा। तो CRR इज 4.5%। अभी बात आती है कि SLR क्या होता है। तो पहले तो SLR का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि SLR का फुल फॉर्म क्या है। SLR स्टैंड फॉर स्टैटुटरी, STATUTORY, स्टैटुटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में हम इसे जिस नाम से जानते हैं वो नाम है सरल तरलता अनुपात। जितना सरल ये नाम है उससे ज्यादा कठिन इसका काम है। क्या है स्टैटुटरी लिक्विडिटी रेशियो? तो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि टोटल NDTL का, व्हाट डू यू मीन बाय NDTL? तो NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। फिर से यहां लिखता हूं, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि NDTL क्या होता है। तो टोटल NDTL का जब एक बैंक 4.5 रुपया कैश के फॉर्म में RBI के पास जमा करेगी तो CRR कहलाएगा। अभी टोटल NDTL का जब एक बैंक खुद के पास, कहते हैं ना कि अगर मेरी सैलरी मान लीजिए 15,000 रुपये है, तो मैं क्या करूंगा, तो एटलीस्ट तो मैं कोशिश करूंगा कि महीने में 2,000 रुपये तो मैं बचा के रखूं, बाकी रेंट है, ये है, दिस है, दैट है।
एटलीस्ट तो मेरी ये कोशिश रहती है कि 2000 मैं अपने पास रखूं, ताकि किसी भी अकस्मात जरूरत में मैं उन चीजों को पूरा कर सकता हूं। तो वही बात यहाँ पे आपके एसएलआर के साथ एप्लीकेबल होता है। एसएलआर वो रिजर्व है, एसएलआर वो सिक्योरिटी है जो एक बैंक 24/7 अपने पास ही सिक्योरिटी के रूप में रखेगी। वो पैसा किसी भी कंडीशन में मार्केट में कस्टमर को लोन, म्यूचुअल फंड या किसी भी रूप में दिया जा सकता नहीं है। दिस इज व्हाट एसएलआर इज। टोटल टोटल परसेंटेज, एक सिमिलर परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट व्हिच अ बैंक इफ विद अस इफ विद इटसेल्फ इज कॉल्ड एसएलआर। आपने क्या देखा कि व्हेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट कीप्स बैंक्स कीप विद आरबीआई कॉल्ड सीआरआर, तो वहीं पे यहां भी ये आ जाएगा। टोटल परसेंटेज ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट व्हेन ए बैंक कीप विद इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ एनी अदर लिक्विडिटी, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, किसी भी रूप में रखेगा वो, अपने पास ही रखना है, अपने ही रिजर्व में रखना है। और आज की डेट में जो एसएलआर है वो 18% है। तो 18% इज एसएलआर, 4.5% इज सीआरआर, 6.75% इज बैंक रेट, 6.5% इज रेपो रेट एंड 3.35% इज रिजर्व रेपो रेट। ये वो रेट्स हैं जो आपके पॉलिसी रेट्स के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट में 3 है और डायरेक्ट में वो है जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, जो हमेशा बैंक या आरबीआई के पास रहेगा। जो आरबीआई के पास रहेगा कैश में, उसको हम सीआरआर बोलेंगे। जो बैंक खुद के पास अपने ही पास रखेगी किसी भी लिक्विडिटी के फॉर्म में, उसे हम एसएलआर बोलेंगे। परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन है वो कलर्क में आपको देखने को मिलेगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर में संभवतः परसेंटेज आपसे इतने आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो परसेंटेज को आज के डेट में परसेंटेज मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है और ये है वो पॉलिसी रेट्स। यहाँ पे एनडीटीएल की बात हमने लिखी है कि क्या होता है एनडीटीएल। यहाँ पे देख रहे हैं, एक चीज मैं लिखता हूं, देखिए क्या है। एक को हम बोलते हैं ना, जैसे बैंक में आप गए तो हम क्या बोलते हैं कि जाके आप अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, और दूसरे को हम बोलते हैं कि आप जाइए और क्या कर दीजिए, तो आप एफडी या आरडी कर दीजिए। तो जब आप जाते हैं बैंक में पैसे डालने के लिए, तो वहां पे करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट आपको दिखता है, जिसको मिला के एक फॉर्म हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कासा। तो कासा स्टैंड फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो ये वो अकाउंट है जिसमें रखे हुए पैसे जब भी आप डिमांड करते हैं, चाहे उस बैंक के एटीएम के साथ, चाहे उस बैंक के ऐप के साथ या किसी भी यूपीआई गेटवे के साथ, तो आपको इमीडिएट वो पैसा मिलता है। मैंने सेविंग अकाउंट में अगर 10,000 रुपए हैं और मैंने यूपीआई से ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि तो मेरा जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि जब भी मैं डिमांड करूं, जो लेंडर है उसे दे, जो बैंक है उसे देना है, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। लेकिन मैंने अगर 2 लाख का एफडी कर दिया और मैं यूपीआई से ट्रांसफर करना चाहूंगा, तो होगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि हमने जो पैसा एफडी किया है वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। तो मेरे लिए डिपॉजिट है, मेरे लिए ये डिमांड और टाइम डिपॉजिट है। बट बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? तो बैंक पॉइंट व्यू से ये एक डिपॉजिट नहीं है, ये क्या है? तो दिस इज ए टाइप ऑफ लाइबिलिटी। मेरा डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटी है। अभी मैंने अपना पैसा जो है वो किसी को दे दिया, आपको दे दिया, आपको जरूरत थी, आप पैसा लेके नहीं आए थे क्लास में, घर जाना है, 100 रुपये मैंने दे दिया, तो 100 रुपये मुझे पता है कल मैं ले लूंगा आपसे, मेरे लिए ऐसे होगा, बट आपके लिए वो 100 रुपये क्या है? लाइबिलिटी है। इस कारण से मैं बोलता हूँ कि ये डिमांड डिपॉजिट मेरे लिए है, ये टाइम डिपॉजिट मेरे लिए है, बट जब ये पैसा मैंने रख दिया तो बैंक के लिए ये मेरी डिपॉजिट लाइबिलिटी है। और इसी लायबिलिटी को जोड़ के जो नाम हम देते हैं वो नाम है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? कासा। और टाइम डिपॉजिट में क्या आएगा? चाहे तो एफडी आएगा, चाहे तो आरडी आएगा। तो दिस इज व्हाट एनडीटीएल, बैंक में रखे हुए पूरे पैसे का सारा
7% कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना सही आ रहा। बैंक में रखने का टोटल एनडीटीएल का 18% एक बैंक के खुद के पास रखना इज कॉल्ड SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। बताएं क्या नहीं समझ में आया? बोलो, माइक खोलो। हेलो यस सर, अभी आपने जो लास्ट का पॉइंट बताया ना, वो जरा सा फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। लास्ट का पॉइंट बताओ, पहले क्या बताया? लास्ट का पॉइंट जो आपने एनडीटीएल के बाद बताया ना, एनडीटीएल के फुल फॉर्म के बाद, तो अभी वही पॉइंट हाँ, मुझे फिर से देना, वो लास्ट का सेंटेंस। ओके, वेरी गुड। और दूसरा कोई क्वेश्चन पूछो, कोई और भी जिसको नहीं समझ में आया हो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है। आपने क्या बोला कि एनडीटीएल समझ में नहीं आया? ठीक है, और किसी के नहीं, पास? एनडीटीएल समझ में आ गया है, खाली समझ वो गया मैं आपकी बात, आपने समझ गया। हाँ, और विजय, 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 आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ये विजय हजारे ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है भाई? क्रिकेट? पक्का? हाँ सर। और ध्यानचंद? हॉकी? हाँ क्या बात है। और ग्रैमी अवार्ड? सर। ग्रैमी अवार्ड ये म्यूजिक को रिलेटेड है सर। वेरी गुड। अभी लास्ट क्वेश्चन का तुमने अगर आंसर दे दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 7 दिनों के बाद पूछूंगा। वो पूछे नोबेल सर। प्राइज किसमें दिया जाता है? सर नोबेल प्राइज हर क्षेत्र में दिए जाते हैं। पक्का? तुमने आज तक सुना क्या सचिन तेंदुलकर को नोबेल प्राइज मिला? नहीं सर। तुम ही तो बोले कि हर एक क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसी भारतीय को तो नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स दिया गया होगा। सिर्फ उस आदमी का नाम बता दो, मैं तुमको 7 दिनों के लिए आजाद कर देता हूं। कौन है वो महापुरुष जिसको हमने नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया में दिया है? आज तक 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी स्वीडन से, किसी एक भारतीय का नाम बता दो। कौन सी ब्रांच है तुम्हारी? दादर ब्रांच, कहां पे? दादर? दादर ब्रांच हाँ, चलो भाई बताओ फिर। तुम तो बिल्कुल सर। दादर में बैठे हुए, सेंटर में बैठे हुए, बताओ कुछ, प्रकाश डालो कुछ। गेम चालू है। याद नहीं आ रहा है सर, मुझे याद नहीं है। बट सर नोबेल प्राइज के बारे में से मतलब थोड़ा पढ़ा है कि काफी सारे क्षेत्रों में नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वीडियो म्यूट करो। किसका माइक ऑन है? मैं बंद करती हूँ क्लास हो। मेरा माइक ठीक है, क्या किससे पूछ रहा था क्वेश्चन? अरे माइक क्यों ऑन कर लेते हो यार, जिसका जिससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं भाई। हर एक क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो वो 6 पर्टिकुलर कौन सा सेक्टर है बताऊंगा जब नोबेल प्राइज। देखिए मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा इसे, क्योंकि उसका नाम विजय था, क्योंकि तो एक क्वेश्चन आपसे ट्रॉफी रिलेटेड भी पूछे आते हैं कि ये ट्रॉफी या ये पर्टिकुलर इंसान कौन से गेम से रिलेटेड है। इस कारण से कभी कभी मैं ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं, आप मुझे पता है कि मैंने पढ़ाया नहीं तो आप लोगों को आंसर नहीं मालूम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, बट फिर भी चूंकि ये वो सेक्टर है, ये वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक ही मार्क्स का, सही, एक ही मार्क्स का वेटेज तो मैं बता नहीं सकता हूँ। ये जो आप एक्चुअल कॉम्पिटिशन की दुनिया में कूदिएगा तो आपको पता चलेगा एक मार्क्स का वेटेज, क्योंकि आज तक मैं उस 0.75 मार्क्स के अचूक छूट से आज बैठा हुआ हूँ स्टेट बैंक में, नहीं तो कहीं ना कहीं नवाद में रहता, आराम से सोया रहता, लेकिन यहाँ तो कस्टमर की गाली, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप जाते हैं तो कितना गाली दे के आते हैं, तो वही सुनने के लिए हूँ, और यही सुनने के लिए आप भी तैयार हैं। मैं बोलता हूँ कि आरबीआई में नहीं जाना है तो बोलता है कि नहीं, कहाँ जाना है तो एसबीआई में ही जाना है, भाई क्यों पता ही नहीं है क्यों। चलो ठीक है, ये हमने आपको आरबीआई के बारे में बताया था, किसी एक स्टूडेंट को एनडीटीएल के बाद नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ कि देखिए बैंक में 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट और दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, है ना। 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं बैंक का, अपना जो कोर प्रोडक्ट है, हालांकि पीपीएफ भी है, सुकन्या भी है, एनआरई, एनआरओ, एनआरओ अकाउंट भी है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो भी है,
लेकिन बैंक का जो कोर डिपॉजिट है वो दो ही टाइप का है, एक डिमांड और एक टाइम। डिमांड का मतलब है कि जब भी हम अपने रखे हुए पैसे का डिमांड करें, चाहे वो रात के 12 बजे हो या दिन के 1 बजे हो, तो हमें वो पैसा मिलना चाहिए, उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो ये सिर्फ तभी होगा जिस कंडीशन में मेरे पास चाहे तो करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो। तो सेविंग या फिर करंट में रखे हुए जो पैसे हैं वो डिमांड डिपॉजिट का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आपने पैसा अपना एफडी 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए फिक्स कर दिया है, या आरडी आपने 5 साल का कर दिया है, तो ये एक टाइम डिपॉजिट है। आपने बैंक में जाके बोला कि मुझे 2 साल का एफडी करना है, तो वो टाइम डिपॉजिट है। यहाँ पे आप एनी टाइम ब्रेक इसको नहीं कर सकते। रात में आपको जरूरत पड़ गई तो क्या आप ब्रेक कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो यही दो टाइप के डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, कभी भी डिमांड करो पैसा मिलेगा। टाइम डिपॉजिट, एक सर्टेन फ्रेमवर्क के बाद, एक सर्टेन फ्रेम टाइम के बाद ही आप उसे तोड़ सकते हैं। यस, आप प्री मेच्योर क्लोजर उसे कर सकते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ पेनल्टी, लेकिन वो टाइम डिपॉजिट है, इमीडिएट डिमांड के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट आपके लिए डिपॉजिट है, बट बैंक के चश्मे से आप देखेंगे, अगर बैंक में पीयूआर क्लर्क आप बनेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो डिपॉजिट मेरा था वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। और बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, ये पैसा जो बैंक में रखा हुआ है ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है ना। कौन सी लाइबिलिटी? हमने बोला कि नेट है। नेट क्या है? तो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अभी थोड़ा सा समझ में आया भाई? यस सर। पक्का कि जबरदस्ती बोल रहे हो कि सब समझ में आ गया? तो नहीं, समझ गया समझ गया। ये है एनडीटीएल, ठीक है। अभी हम आरबीआई से दूर आपको एक और पार्ट पे लेके चलेंगे, क्योंकि पुराने भी हैं घाटकोपर वाले या वहां वाले, तो एक पुराना पार्ट भी हम देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा से 4 सालों से आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन का स्वरूप रहता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन का। क्या होता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, तो आप वो जान ले पहले। इंटरनेशनल पब्लिकेशन का मतलब है कि एक ऐसा बुक, एक ऐसा प्रकाशन जो किसी न किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, तो इशू किया है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक हो, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है अनटेड हो, यूएनडीपी हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, आरबीआई भी हो सकती है ना। करी में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज पब्लिकेशन बोला, क्योंकि जनरली क्वेश्चन 1 माह से लगातार पब्लिकेशन जा रहे हैं, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्यों, ये बुक है और ये उसका पब्लिशर है, ये आपको याद करना है। किसी ने कभी कोई क्वेश्चन अभी? अच्छा ठीक है, आप में से कोई एक मेरे को बताए जिसने कम से कम 50 सेट सॉल्व किया है। क्या नाम है जिसने 50 सेट सॉल्व किया होगा? किसी का नाम जान सकता हूं मैं? मिनिमम 50 सेट सॉल्व करके कौन बैठा हुआ है? कोई है? नहीं, 30 सेट वाले? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास आपको एक वेबसाइट बताया था, और कहां से वो नोट्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैंने आपको आपको दी थी। आपको 3 पार्ट में लिख रहा हूं, इस तीनों पार्ट का पासवर्ड आप लिख लीजिए, और अभी के बाद आप इस तीनों पार्ट को, इस पीडीएफ को आप इस पासवर्ड के साथ खोल सकते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 66। पासवर्ड इज RBI_10, सारे के सारे स्मॉल में है। RBI_10, RBI_00 एंड INT_PUB, दैट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन, तीनों लिख लो पहले। लास्ट क्लास कौन नहीं थे?
आप में से कोई ऐसे जो मैं लास्ट क्लास सर नहीं थे? हाँ, सर मैं आप नहीं थी? नहीं सर लास्ट वाला क्या लिखे कौन नहीं हैं? थे? INT_PUB, तने तुम्हारे जी लिखने को मैं सर, मिस कर रहा हूँ यार, लिखो थोड़ा कह रहा फटाफट। हूँ तीन पार्ट के नंबर हमने लिखे हैं, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 66। सर, मेरा एक डाउट है, मेरा क्या हो गया? एक डाउट है सर। आपका क्या है? सर एक क्वेश्चन था, ये 50 क्वेश्चन के सेट कहाँ से हमको करने होंगे? क्वेश्चन नहीं समझा मैंने, मेरे को फिर से बोलो जरा। तो मैं बोल रही हूँ 50 क्वेश्चन के सेट कहाँ से करने होंगे जो आपने अच्छा, बोले अभी? हाँ क्योंकि अशोक सर भी बोलते तो हम भूल जाते हैं सर, लेकिन हमको समझ में नहीं आता वो 50 क्वेश्चन के सेट कहाँ मिलेंगे हमको, क्योंकि टेस्ट ठीक बुक है, ऐप पहले से लेंगे तो वहाँ पे ये लिख 10 से 20 लिया रहते हैं। तुमने, हाँ पहले सर, हाँ ये लिखा तुमने। जो नए हैं उनको बता दूं कि आप जब www.learnbeyond.co.in पे जाएंगे और उसमें नोटिफिकेशन के पेज पे जाएंगे तो आपको ये सीरियली में आपको नंबर दिखेगा, है ना, उल्टे में दिखेगा। 66 पहले दिखेगा, फिर 65 दिखेगा। तो आपको 66 आज ही मैंने अपलोड किया है, वो आपको निकालना है। पार्ट नंबर 2 और 6 आपको निकालना है, बशर्ते जब पार्ट नंबर 6 आप निकालेंगे तो वहां पे बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, सारे के सारे रेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पुराना है। ध्यान देके सुने, क्योंकि तो जब उस समय मैंने अपलोड किया था 1-2-3 महीने पहले, उस समय वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल थे, तो वो हमने लिखा है। जब आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालेंगे, अपने फाइल में आप लगाएंगे, तो ये आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि बैंक रेट को आप 6.575 करें, रेपो रेट को 6.5 करें, रिवर्स रेपो रेट को 3.5 करें, CRR को आप 4.5 करें और SLR को आप 18% करें। क्योंकि इसी रेंज पे आप चलेंगे, बोलेंगे कि सर आपने तो ये नोट्स दिए थे। इसका मैं बोलता हूँ, सिर्फ नोट्स से अगर काम चल जाता तो कोई मेरे क्लास में ही नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो जाती हैं, अपडेशन की जरूरत होती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि पुरानी चीजों को हम आसानी से, इतनी आसानी से चेंज कर दे, फिर अपलोड कर दे, है ना। तो जहां पे जो भी चेंजेबल फैक्ट है वो आपको मैंने बता दिया, अकॉर्डिंगली आपको वहां पे चेंज कर लेना है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात हमने RTI में बताई थी कि आपको चेंज करना है अपने नोट्स में, वैसे ही यहाँ पे पॉलिसी रेट चुकी उस समय के अलग थे, अभी के अलग है। तो आपको मैंने तीन पार्ट बताए हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये भी बताया है कि कहाँ पर मिलेंगे, www.learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज में ये नंबर आपको दिखेंगे। ये नंबर को देखने के बाद आपको एक PDF अटैचमेंट दिखेगा। PDF अटैचमेंट आप जब डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड तो हो जाएगा लेकिन ओपन नहीं होगा, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो उसका रिस्पेक्टिव पासवर्ड मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, वो आप लिख लें। जो भी आपकी क्लास में सर मिल रहा हो, 66 पीडीएफ ओपन हो ओपन नहीं हो रहा है? रहा है? नहीं सर, पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है। आपने क्या डाला पासवर्ड मैडम? INT_PUB सर ऑन हो गया, ये ऑन हो रहा देखो, है मतलब। पीयूबी ये में देखो, पी स्मॉल है। अरे सब इस पासवर्ड जब भी मैं बोलूंगा तो स्मॉल में ही होगा। देख लो ना, थोड़ा अपर केस लोअर केस कुछ खुला हुआ होगा, क्योंकि तो ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी दूसरे का खुले आपका ना खुले, तो कहीं ना जी कहीं कुछ खुल रहा है मिस्टेक सर, हो खुल रही रहा है, है। ओपन हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने क्या बोला, 66 में हम इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसी फैक्ट नहीं है जिसमें समझाने की जरूरत है, आपको याद करना है। और पहले ही मैंने बोला 1 मार्क से क्वेश्चन आपसे जरूर, आपके किसी कलर को पीओ हो आपको देखने को मिलेगा। उसमें जो पहला बुक है उसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी WORLD, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देती है? उसका नाम है यूनाइटेड नेशन, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
फुल फॉर्म याद मत कीजिएगा, ना आपसे पूछा जाएगा ना आपको याद करने की जरूरत है। मैंने बताने की कड़ी में बता दिया कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये आपके नोट्स में हो सकता है ऊपर नीचे लिखा हो, क्योंकि उतनी सारी बातें मुझे क्रोनोलॉजी में याद नहीं है, तो आपके नोट्स में मैंने अगर 15-20 लिख के दिया है तो हो सकता है कि मेरे को लिखने के करीब 10-12 ही याद आए, तो बाकी का आप एक दो वहां से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रकाशित करती है उसका नाम है WEF, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रट्टा मारना है, जिसे हम कहते हैं ना रट्टा मारने वाली बात, तो रट्टा मारना है। आपकी अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो ये जितनी भी क्लास मैं ले रहा हूं ये क्लास अभी के 2 घंटे के बाद आपके YouTube चैनल पे अपलोडेड आपको दिखेगी, तो किसी का कारण से कहीं आप गए आए किसी कारण से मिस हो गया तो वहां से भी जाके आप देख सकते हैं, है ना, चाहे वो फोकस के YouTube चैनल पे जाके देखें या फिर आप लर्न बियॉन्ड जो मेरी खुद की है YouTube चैनल जिसमें 300 वीडियो आपको दिखेंगे, ऑलरेडी 2-3 सालों से रिकॉर्ड कर कभी कभी रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, तो 200-300 वीडियो आपको इस चैनल पे भी दिखेंगे लर्न बियॉन्ड पे, वहां भी आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल, और कभी कभी क्या होता है कि इसकी रैंकिंग भी आपसे पूछी जाती है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है, हैप्पीनेस में कितना है, तो रैंकिंग की बात जनरली एग्जामिनेशन से पहले मैं करता हूं क्योंकि वो चेंजेस होते रहते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स कि शांति में कितना शांत है भारत, तो उसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात आती है, उसका नाम है IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये है आपके ग्लोबल पीस इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं HDI में इंडिया का रैंकिंग भी बहुत पूछा जाता है, दैट इज UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP जो प्रकाशित करती है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, ये एक प्रकाशन है, ये एक पब्लिकेशन है, और पब्लिशर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, किसी ने बेसल का नाम सुना है क्या, बेसल, किसी ने बेसल का नाम नहीं सुना है, ठीक है, तो आप जाने कि BIS बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट बेसल यही पे है, तो बेसल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल के नॉर्म्स 1 स्विट्जरलैंड में जगह है बेसिकली, बेसल नॉर्म्स 2, अभी हम बेसल 3 पे चल रहे हैं, तो बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट निकालती है। नेक्स्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन निकालती है वो वर्ल्ड बैंक का भाग है, वर्ल्ड बैंक के 3 भाग हैं, 3 बच्चे हैं, एक का नाम है IBRD, उसके बाद IDA और तीसरा IDC। तो उस IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो IBRD वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बट अभी लिखिएगा मत, अभी सिर्फ याद कीजिएगा कि IBRD कौन सा रिपोर्ट देती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब मैंने अगर कोई अनुसंधान किया तो वो मेरा ही होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, मेरा कोई इन्वेंशन है तो उस पर सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए, मुझे ही लॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो वो ये इंटरनेशनल आपका
कौन सा रिपोर्ट है? प्रॉपर्टी रिपोर्ट कौन निकालता है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी जेनेवा में उसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा एक ऐसा जगह है जहां पे कम से कम 6, 7, 8, 10 ऑर्गेनाइजेशनों का हेडक्वार्टर है, चाहे WTO हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो आपकी BIS हो। तो वर्ल्ड प्रॉपर्टी रिपोर्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही हुए यार, 2, 4 तो और याद होने चाहिए। किसी ने खोला है तो बताओ, 10, 12 तो याद हो। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इकोनॉमिक आउटलुक बताया क्या मैंने? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये भी बहुत जो इंपॉर्टेंट है आपके आपके नोट्स में दिया हुआ, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इस कारण से मुझे याद भी है, इस कारण से मैं लिख रहा हूँ। है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन आप जो कहेंगे ना कि सर गेस में भी गेस कीजिए, तो ये वो फैक्ट है जो बहुत बार पूछे गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया था, इसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, Washington DC। तो चलिए, इतनी बात मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, कुछ आधी अधूरी बात हो सकता है, 5, 6, 7 ऑर्गेनाइजेशन और भी आपके नोट्स में लिखे हों। 66 नंबर का नोट्स जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें से ये पार्ट आपको दिखेगा। बेसिकली इस पार्ट को पढ़ाने का मेरा नजरिया ये था कि जिनको मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, चाहे घाटकोपर के हैं, चाहे वो उनके हैं, तो उनको एक पुरानी भी चीजें दिखे, कुछ नई भी चीजें दिखे। तो ये कंबाइंड तरीके से मैंने आपको आज 3 पार्ट पढ़ाया है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 66। पार्ट नंबर 2 में हमने RBI के फंक्शन की बात की थी। समराइज कर देता हूँ पूरे क्लास को 5 मिनट के अंदर, ध्यान से सुने, अपने नोट को छोड़ दीजिए, सिर्फ सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने RBI के फंक्शन की बात की और बताया कि RBI इज अ लेंडर्स, RBI इज अ बैंकर्स बैंक, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन। उसके बाद क्या है? तो इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी, किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कीजिए। इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, 1 रुपीज नोट ड्यूली साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, एंड प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी इज TV सोमनाथन। मॉनिटरी पॉलिसी की हमने बात की, लेंडर रिसोर्ट के बाद हमने और क्या बोला, एक दो और फंक्शन हो सकता है हमने बताए हो, तो वो आपके फंक्शन है। उसके बाद हम पॉलिसी रेट्स आपको लेके आए, आपको ये बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट को ही हमने रिजर्व बोला है, और डायरेक्ट में 2 है, SLR और CRR। SLR स्टैटरी लिक्विडिटी रेशियो है जो आज के डेट में 18% है, CRR कैश रिजर्व रेशियो है जो आज के डेट में 4.5% है। CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है व्हेन ए बैंक कीप्स ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट विद RBI इन फॉर्म ऑफ कैश ओनली इज कॉल्ड CRR, and same applicable to bank itself, और पैसा जो बैंक खुद के पास रखती है, a certain percentage of total assets when a bank keep with itself in any form of liquidity called SLR. So SLR 18%, CRR 4.5%, bank rate, repo rate or reverse repo rate आपके respective 6.75, 6.5 and 3.35% है। लंबे समय के लिए जब RBI देती है, 90 दिनों के ऊपर के लिए दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, 90 दिनों के नीचे के लिए दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, और जब RBI लेती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। व्हेन बैंक्स व्हेन RBI लेंड्स टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस बैंक रेट, फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस रेपो रेट, व्हेन RBI बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसमें कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर एक कंफ्यूजन जो एक लड़की के मन में था कि सर सेट की बात की जाती है, सेट कहाँ मिलेंगे उसकी बात मैं बताऊंगा। आप में से किसी के पास इस 2, 6 और 66 में कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछिए। 66 मैंने गहराई में इस कहां से लेके नहीं गया, क्योंकि उसमें क्या है, याद करना है, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगर स्टेट्स एंड कैपिटल है तो किसकी राजधानी कहाँ है, इसमें समझाना क्या है भाई, ये एक फ्रेम आउट है, इसको आप याद कीजिए। पूछूंगा तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में, मैंने आपके बोर्ड पे 7-8 ही लिखा है, लेकिन आपके नोट्स में अगर 15 लिखे हुए हैं तो पूछूंगा तो मैं 15 के 15 ही। पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो पूछे जाते ही हैं। पिछला कोई भी पुराना आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए जनरल अवेयरनेस का, जो किसी भी बैंक का हो, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 101% देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन था कि सर सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब होता है पुरानी किसी भी बैंक में पूछी हुई कोई भी क्वेश्चन का जो सेट होता है। ये सेट आपको कहाँ मिलेगा? तो ये सेट आपके, चाहे तो आप फ्लिपकार्ट पे चले जाएं, चाहे तो आप अमेजोन पे चले जाएं, वहां पे आप डालें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वहां पे बीएससी पब्लिकेशन बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल का पब्लिकेशन आपको दिखेगा, उसके प्राइसेज आप देख लीजिए 300 या 400 रुपए है, वहां से उसको आप परचेज कर सकते हैं। चाहे तो बीएससी का परचेज कर लीजिए, चाहे तो महिंद्रा का अगर मिल रहा है तो वहां पे परचेज कर लीजिए। पुरानी होनी चाहिए इसमें, जिसमें मॉडल सेट लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। मॉडल सेट का मतलब है कि ये पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पब्लिकेशन कोई भी हो सेम ही आपको दिखेगा, किसी की भी पब्लिकेशन का आप परचेज कर लीजिए। मैं बीएससी का इस कारण से आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि बीएससी के जो क्वेश्चन के आंसर है वो गलत नहीं है, है ना। बाकी कुछ ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकते हैं कि आपके आंसर उनके आंसर से टैली नहीं करे। तो बीएससी बहुत पुरानी आपकी इस फील्ड में है, तो उसके क्वेश्चन तो ये है आपके सेट का मतलब। और सेट उसमें आपसे 30-40 सेट आपको दिखेंगे, है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है, है ना। ग्रुप बनाइए, ग्रुप जरूर फॉर्म कीजिए, चाहे किसी भी ब्रांच में बैठे हुए कोई भी स्टूडेंट हो, अगर एक्चुअली आप सफलता पाना चाहते हैं तो अच्छे किसी भी 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट से ग्रुप की शुरुआत करें और कंटिन्यूअसली वहां पे आप बैठ के बनाएं। अगर ये करेंगे, सतत करेंगे, तो सफलता आपको मिलेगी। अभी और किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। ये बैंक रेट में तो ओनली आरबीआई डिमांड करता है या फिर बैंक के पास एक्सेस होता है, वो जमा होता है, उसको भी बोलते हैं आरबीआई? बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो पूरा। बैंक रेट में आरबीआई ओनली डिमांड करता है बैंकों से, वो पैसा होता है या फिर बैंकों के पास जो एक्सेस होता है उसको भी जमा करता है, तो वो भी बैंक रेट पे करता है? भाई बैंक रेट का मतलब था जब बैंक आरबीआई से उधार ले, समझ में आया? जब भी बैंक आरबीआई से उधार के रूप में 1 करोड़ रुपए लेगी, तब आरबीआई उससे बोलेगी कि हमने आपको 1 करोड़ रुपए दिया है, इसका इंटरेस्ट मुझे दीजिए। तो उस इंटरेस्ट का नाम है बैंक रेट। फिर से बोलता हूं, मैंने एक होम लोन लिया, तो मैं गया आईसीआईसीआई बैंक के पास, 50 लाख का मैंने होम लोन ले लिया, तो बैंक मुझे 50 लाख रुपए तो दे देगा, लेकिन क्या बोलेगा कि आपका हफ्ता जो है, आपका जो ईएमआई है वो नेक्स्ट मंथ से शुरुआत हो गया, तो आप हफ्ता तो प्रिंसिपल भी भरिए और प्लस इंटरेस्ट भी भरिए, है कि नहीं? तो रीपेमेंट में इंटरेस्ट भी भरिए और प्रिंसिपल भी भरिए। तो बैंक मुझसे बोल रहा है, इंडिविजुअल बैंक मुझसे बोल रहा है कि इंटरेस्ट आप पे करो। वैसे ही आरबीआई से जब बैंक पैसा लेगी, अगर आरबीआई से बैंक पैसा नहीं लेती है तो आरबीआई क्यों लेगा उसे इंटरेस्ट? लेकिन आरबीआई से अगर कोई बैंक, जिस बैंक के पास पैसे कम हो और वो आरबीआई से पैसा लेगी, तो आरबीआई बोलेगी कि भाई इस दिए हुए पैसे पे मुझे इंटरेस्ट दो, और वही इंटरेस्ट का नाम है बैंक रेट। अभी समझ में आया? ऐसा समझ में आया पक्का? यस सर। और दूसरा सर, रिजर्व रेपो रेट में भी आपने बोला कि, अरे भाई रिजर्व रेपो रेट नहीं होता है वो, अरे बोलते हैं ना कि जहां पे जाओगे आप किसी बिल्डिंग में लिखा आता है कि यहाँ पे गुटखा मत थूके, वहीं पे सबसे ज्यादा गंदगी आपको दिखेगा। रिजर्व नहीं होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स रेपो रेट। ऐसा रिवर्स रेपो रेट, हाँ आप पूछो। रिवर्स रेपो रेट में आपने लिखा था सर कि जब आरबीआई बैंकों से पैसा बोरो करता है, तो इसमें भी क्या ऐसा होता है कि जब बैंकों के पास एक्सेस पैसा जमा हुआ हो और उसको जमा करे? नहीं, आरबीआई को अगर जरूरत है तो ये एक प्रावधान बना हुआ है, आरबीआई तो लेंडर ही है तो उसको जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये एक प्रावधान बना हुआ है कि समटाइम्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई से डिमांड करता है, तो आरबीआई बैंकों से लेती है। तो अगर आरबीआई को जरूरत है और बैंकों ने दे दिया, अगर जरूरत है आरबीआई को, उसने बोला किसी एक बैंक को मुझे पैसा दो और आरबीआई के कहने पर उस बैंक ने पैसा दिया है, तो 3.35% आरबीआई देगी। अदरवाइज आप सोचें
उस पैसे को तो हम एक कस्टमर को भी लोन के रूप में दे के उनसे शायद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, यस है कि नहीं? अगर वही पैसा जो आरबीआई ने नहीं मांगा तो हम किसी कस्टमर को देंगे, कार लोन पे हम 10.5% लेंगे, मुद्रा लोन पे हम 11.5% लेंगे। तो जहां पे आरबीआई 3.35% दे रही थी, वहां पे हमको बाजार में इन्वेस्ट करने से कितना मिल रहा है? 10.5%। अंतर ये है कि आरबीआई ने अगर पैसा ले लिया है तो एनपीए तो नहीं होगा, लेकिन बैंक को भी पता है कि अगर हमने 10 कस्टमर को लोन दिया है तो 10 में 2 तो एनपीए हो जाएंगे। तो जहां पे कोई रिस्क नहीं है वहां पे क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो आरबीआई ने लिया तो रिस्क फ्री है, 3.35। डन। ओके यहीं पे मैं आपकी क्लास कॉल रखूंगा। हालांकि हमने टाइम से थोड़ा सा 15 मिनट ज्यादा ले लिया, कोशिश हमारी नहीं रहती है कि टाइम से ज्यादा या टाइम से कम रहूं, है ना? लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास से कि टाइम के विदिन हम क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। गुड डे। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।